नेट जो फर्स्ट पेपर है सभी के लिए कॉमन है और आपको भी पता है इसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि पहले जो 3 पेपर होते थे लेकिन अब वर्तमान समय 2 पेपर कर दिया गया है। नेट फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रखे, सेकंड पेपर तो वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है लेकिन जो फर्स्ट पेपर हो सभी के लिए अनिवार्य है। और सबसे बड़ा ये है कि JRF बनना या नहीं ये फर्स्ट पेपर ही तय कर देता है। आप JRF बनेंगे क्योंकि नेट बनने के लिए फर्स्ट पेपर तो इनफ होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर की महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके नंबर जो होते हैं यह सॉलिड में होते हैं और इसकी कुल 10 टॉपिक है। और 10 टॉपिक में अगर 50 मार्क्स में से अगर 42 भी सही कर ले जाते हैं, 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, 80 मार्क आप अर्जित करने के बाद सेकंड पेपर में आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं यह पेपर आपको JRF बनने में उतनी आसान हो जाती है। बाकी चीज़ें आपको ज्योति मैम पढ़ाएंगे। ज्योति मैम ये आपको हम 16 मई से 20 मई के बीच में यह कोर्सेज को शुरू करेंगे और हम ये 10 टॉपिक को प्रयास करेंगे 15 से 20 दिन में आपको पूरा करा देंगे। फिर प्रैक्टिस करा के हम आपको कंप्लीट कर देंगे और एकदम मिनिमम मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे कम में भी, क्योंकि हमारा बस उद्देश्य है कि अगर आप घर बैठे हैं दूर दराज जहाँ से आपके घर में कोचिंग बहुत दूर है और आप पढ़ना चाहते हैं, नेट होना चाहते हैं, JRF होना चाहते हैं, तो आपके सपनों में पंख लगाने काम हम लोग करें और संभवतः अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे पंख लग जाएगा। तो मैडम आपको सिलेबस बता दे रही हैं और फिर हम लोग बता दे रहे हैं कौन कौन से पोर्शन कौन कौन पढ़ाएंगे, तो जल्दी मैम बता दे रही हैं। तो जो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है यहाँ पे, ये फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस न्यू एकदम चेंज हुआ है उसकी बात हम करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें आपकी पुरानी है जैसे रिसर्च का, टीचिंग का, लेकिन कुछ जो नए टॉपिक है वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पेपर आप जानते हैं तो उसमें क्या क्या प्रश्न आपके पूछते हैं, क्योंकि आपको टीचर बनाना है या हायर एजुकेशन में इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे पहला पोर्शन इसमें दिया है शिक्षण अभिवृत्ति, तो ये शिक्षण अभिवृत्ति में हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखिएगा। शिक्षण अभिवृत्ति में जो आपकी अवधारणाएँ हैं वो हमें देखना है, उद्देश्य क्या क्या है और शिक्षण का स्तर क्या है। जैसे उसमें स्मृति, बोध और चिंतन यहाँ पे दूसरे नाम से दिया हुआ है, शायद आपको कंफ्यूज करे। दूसरी चीज़ जो इसमें हमें जाननी है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो आपकी जो वृद्धि और विकास आपने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। इसके बाद आपको उसके सारे पक्ष देखने हैं, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के यहाँ पे पक्ष देखेंगे, भावात्मक संज्ञानात्मक आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ अलग अलग कर दिया इसलिए आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, लेकिन ये चीज़ें वही हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी। तो उसके अलावा हमें ये देखना है कि शिक्षण कब प्रभावी होता है, कब प्रभावशाली होता है, तो उसके लिए कौन कौन से शिक्षण सामग्रियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, संस्थागत जो सुविधाएँ होती हैं वो क्या होती हैं और किस प्रकार से हमें एक प्रभावशाली वातावरण का निर्माण करना है यहाँ पे ये भी बताना है। कुल मिला जुला के एक अच्छा शिक्षण कैसे करना है, इसकी अभिवृत्ति आपके अंदर है कि नहीं, इसको टेस्टिंग करने के लिए वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पोर्शन मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो आपका पोर्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जो नेट या JRF करते हैं उसके बाद आपको PhD करना होता है, रिसर्च के लिए यहाँ एक टीचर के अंदर एक टेंडेंसी होनी चाहिए रिसर्चर की, उसको हमें देखना है। तो शोध अभिवृत्ति का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे। उसमें हमें क्या पढ़ना है, शोध इसका अर्थ प्रकार विशेषताएं, आपका पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, उसके अलावा शोध की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उसके अलावा उसमें जो हमें पढ़ना है कौन कौन से प्रकार है वो दिखे, प्रयोगात्मक विवरणात्मक ऐतिहासिक गुणात्मक मात्रात्मक। तो ये दोनों आपके एक दो पोर्शन ही होते हैं, उसके अलावा भी, इसके अलावा भी हम आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे देंगे जो अन्य आपकी पद्धतियाँ कि कैसे शोध किया जाता है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे पहले क्या आता है दूसरा क्या। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत मैंने जोक सुना था, पापा ने ही सुनाया था कि दो वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है, तो कैसे कर रहे थे, एक गड्ढा खोद रहा था दूसरा उसको बंद कर रहा था। तो याद रखिएगा उसे एक इंसान ने पूछा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, तो उसने बोला बीच का जो आदमी था उसका काम था पेड़ लगाना, वो नहीं आया और हम अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टेप ही नहीं पता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बीच में क्या करना है, तो आप शोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि शोध के चरण क्या, जैसे प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, उसका एरिया आपको सिलेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ पे डिस्कस करनी है। शोध प्रबंध शोध आलेखन ये दूसरी चीज़ आप देखिए, स्टेप तो आपको पता चल गया है कि कौन कौन से स्टेप है, लेकिन इसके अलावा उसको कैसे आप डिसर्टेशन बनाते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं, आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं, आप जो पेपर पब्लिश कराते हैं, तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, और जो संदर्भ शैली, जैसे ये हम कहते हैं कि कैसे लिखते हैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, तो उसके कई आपके टेक्निक्स हैं वो भी हम यहाँ पे अध्ययन आपको कराएंगे किस प्रकार से आपको करना है। इसके अलावा जो नया टॉपिक जुड़ा है शोध में ICT का जो अनुप्रयोग होता है, तो अनुप्रयोग में क्या आप ICT जानते ही हैं, उसको आप अनुप्रयोग से टीचिंग में करते हैं वैसे आप इसमें भी करेंगे। जैसे जो संबंधित साहित्य का अध्ययन है उसमें किस प्रकार से आपको उसका इस्तेमाल करना है या कैसे रिसर्च में टूल में यूज़ करना है। फिर लास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है शोध की नैतिकता, तो ये पोर्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा।
इसके अलावा ये जो बोध आपका जो अंडरस्टैंडिंग या जो गद्यांश दिया जाता है जिसमें प्रश्न आपके रहते हैं वो पोर्शन भी पढ़ाया जाएगा, वो सर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक पोर्शन मेरा और है यहाँ पे संप्रेषण का, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके अभिलक्षण होते हैं और एक अच्छा प्रभावशाली संप्रेषण क्या होता है यह हमको देखना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट हैं, जैसे आपका बातचीत अंतर सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण कक्षागत संप्रेषण, इसको भी हमें अध्ययन करना है। फिर क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे संप्रेषण ब्रेक हो जाता है कि मेरा ये वीडियो अब तक नहीं पहुंच पा, आप नहीं जान पाए, तो कोई ना कोई बाधा होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षण में रिसर्चेस में जो कम्युनिकेशन है उसमें भी आपके संप्रेषण में कुछ बाधाएं आती हैं, उसको भी हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा आपकी जन मीडिया जो आपकी मीडिया है सोशल मीडिया है उसके बारे में, यहाँ जन मीडिया से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सोशल मीडिया की बात यहाँ पे की गई है, तो इसकी बात हम करेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप गणितीय तर्क और अभ्यर्थी तो कुछ क्वेश्चन इसके जो रीजनिंग के और जो मैथ के वो सर पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैं भी इसमें पढ़ाऊंगी। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन आता है युक्तियुक्त तर्क का, इसमें भी आपके जो किस प्रकार के जैसे आगमन निगमन तर्क हुआ और जो उसके अंतर्गत जो उसकी थियोरी होती है रीजनिंग की वो चीज़ें का अध्ययन करना है, तो ये क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराएंगे। इसके अलावा आंकड़ों की व्याख्या तो आप जानते हैं, जो आपका DI का पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फिक्स आपके नंबर होते हैं, वो आपका नंबर कोई नहीं छीन सकता, बस आपको उस पर फोकस करना है। तो उसमें कितने प्रकार के आपके चार्ट होते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे आप आंकड़ों को कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे उनको क्या करते हैं सामान्यीकृत करते हैं, इस बात का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे आता है एक ICT का पोर्शन अलग से दिया, ऊपर संप्रेषण अलग दिया है, ICT अलग दिया है। ICT में आपके जो चीज़ें आई जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट ईमेल ऑडियो विजुअल, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्य बिंदु है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए होता है तो हायर एजुकेशन को भी फोकस में रखना है आपको, और उसको फोकस में रखते हुए आपको आगे देखना है कि कैसे इन चीज़ों को हम हायर में यूज़ करें। बच्चों के लिए नहीं करना, बच्चों के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमें हायर एजुकेशन में जाना है नेट या GRF करके, तो हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि किस प्रकार से हमें इनका अध्ययन करना है। फिर ये जो क्वेश्चन आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, वो सारा आपको सर पढ़ाएंगे और इसमें आपकी जो एकदम ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं, ऐसे कुछ शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके फिक्स होते हैं वो आते हैं, और कुछ आपके अधिनियम यहाँ पे देखेंगे आप, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे होगा, आपने सर्वे डाउनलोड किया ही होगा। तो मुख्य क्या है कि आप अवेयर है कि नहीं एनवायरमेंट के प्रति, इसका यहाँ पे ये देखते हैं कि एक शिक्षक वो भी होता है कि आसपास क्या घटित हो रहा है उसको पता होना चाहिए, इसलिए भी इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि इससे प्रश्न आते हैं, जैसे कभी दूरस्थ शिक्षा से आ गया, आपका पत्राचार से आ गया, तो यहाँ देखिए उच्च शिक्षा प्रणाली जो आपकी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उच्च शिक्षा में जाने के लिए ये सब कर आपके एग्जामिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे उसमें फोकस करके एक आप पूरा 10वां यूनिट जो दिया हुआ है उच्च अधिगम संस्थाएं प्राचीन भारत में शिक्षा, तो प्राचीन में जो आपकी व्यवस्था चली कहाँ से उच्च शिक्षा शुरू हुई, जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो था उसमें पहले विश्वविद्यालय बनाए गए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसका आपको अध्ययन करना है। फिर स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी चीज़ें हुई, शोध का उद्भव कैसे हुआ, कि रिसर्चेस कहाँ से शुरू हुई, तो पता है आपको कि रिसर्चेस पहले आपको साइंटिफिक एरियाज में हुई थी, बाद में आपका ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट थे उसमें आए। इसके अलावा आपको देखना है कि भारतीय प्राचीन पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसे चला, तो यहाँ पे प्राची वाला जो हमारा प्राचीन है और बाकी ये जो आपका अंग्रेजी वाला है वो भी आपको देखना है, पाश्चात्य वाला भी, व्यवसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा की बात भी यहाँ पे करनी है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आता है, मूल शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, यहाँ ये पर्यावरण वाला पोर्शन जो देखें वो ऊपर का आपका है, और ये मूल शिक्षा आपकी जो वैल्यू एजुकेशन है, क्यों हम कोई शिक्षा लेते हैं, अर्थात क्या हम एक बच्चे में देखना चाहते हैं किस प्रकार का डेवलपमेंट आपके जो वैल्यूज होती है उनका, इससे रिलेटेड भी आपकी चीज़ें हैं। और नीति और सुशासन, राजनीतिक प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है, कौन पॉलिसी मेकर होता है, किसकी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ क्या इफेक्ट कर रहा है आपके एजुकेशन, और ट्रेंडिंग क्या चीज़ है, ये सब भी हमें अध्ययन करना। तो ये आपका छोटा सा तो नहीं बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट आपका सिलेबस है, और सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, इससे आप आसानी से नेट का फर्स्ट पेपर क्रैक कर सकते हैं। क्रैक तो सभी कर लेंगे, लेकिन यहाँ अच्छा जितना स्कोर करेंगे उतनी फाइट आपकी सेकेंड पेपर में कम हो जाएगी, इसलिए कोशिश करिएगा कि अच्छे से उसका अध्ययन करें। इसमें भी कुछ और कोई बहुत सारे पॉइंट है ना, मैथमेटिक्स वाला पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है आपका
सुशासन, राजनीति और प्रशासन, यहाँ से अगर हम 3-4 वर्षों का अगर पेपर उठा के देखें, सबसे ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रपति पे फोकस करते हैं, राष्ट्रपति और संसद, और संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और कानून बनने की प्रक्रिया क्या, विधेयक कैसे आते हैं, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और आर्टिकल 368, मतलब कुछ ऐसे प्रमुख रूप से हैं जो पूछे जाते हैं। खासकर नेट में 5-7 साल के जब मैंने पेपर उठा के देखा फर्स्ट पेपर में, तो एक चीज़ स्पष्ट हुई कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक गतिविधियाँ चलती हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में पेपर में प्रश्न आते हैं। इस बार चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 324 के साथ साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हैं वो खासकर उपयोगी रहेंगी। फिर उसके बाद ये सारा टॉपिक मैडम ही पढ़ाएंगे। ऊपर आते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लोक विकास और पर्यावरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी लगभग आपके 5 क्वेश्चन फिक्स है जो आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, ऐसा नहीं किसी वर्ष आया है। इसमें क्या है, विकास और पर्यावरण, मिलियन विकास हम पोषित विकास कलर, माने विकास तो करना जरूरी है लेकिन विकास करने का जो उद्देश्य होता है वो कैसे विकास करें, इसमें टॉपिक आता है, टर्म आता है समपोषी विकास, इसकी व्याख्या करेंगे। समपोषी क्या है, विकास तो करना लेकिन समपोषी विकास क्या होता है। फिर मानव पर्यावरण संव्यवहार, अब इसमें क्या है, मानव पर्यावरण के बीच व्यवहार क्या है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मानव विकास करने के लिए जिस चरम पे जा रहा है तो विकास तो कर रहा है लेकिन विकास करने से क्या क्या चीज़ें छूटती जा रही हैं, उस चीज़ की व्याख्या हम लोग इसमें करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं क्योंकि वर्तमान समय लगातार देख रहे हैं तो प्रोटोकॉल है, अभी जलवायु सम्मेलन हुआ है, तो इस सम्मेलन जो होते हैं उसका भी उद्देश्य अभी आगे उसको भी सर्व समय जिक्र मिलेगा। अब यहाँ भी देखिए पर्यावरण मुद्दे क्या क्या है, स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट में ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि देखिए इसको देखते हुए अभी कुछ दिन पहले योजनाएं चली गई थी गीला कचरा सूखा कचरा लेके, तो ये इसी टॉपिक में पूरा रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन क्यों होता है, इसके लिए क्या जिम्मेदार, इसके लिए हम पढ़ेंगे 3 P, पी का मतलब होता है, 1 P का मतलब पॉल्यूशन, फिर पॉपुलेशन, फिर पॉवर्टी एक गरीबी होते हैं, गरीबी के बाद पॉवर्टी से निर्धनता कहते हैं, वह इसके लिए जिम्मेदार है किस प्रकार, फिर परिवर्तन सामाजिक, अच्छा अभी कैसे परिवर्तित होंगे, इसके सामाजिक राजनीतिक आयाम कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर मानव स्वास्थ्य पर, फिर यही प्रश्न आता है कि मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत दरवाजा बंद एक स्लोगन चला था, योजना चला था, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि मानव स्वास्थ्य प्रदूषण किस प्रकार पड़ रहा है, खुले में शौच करना, ऐसे क्या रीजन आ गए कि गवर्नमेंट को खुले में शौच को रोकने के लिए शौचालय का निर्माण करना पड़ा, उसका संबंध इसी टॉपिक से हो जाता है जिसको हम लोग और जूम करके पढ़ेंगे अलग से। फिर आते हैं प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय और वन, और ये से भी ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत भी दो हो जाएंगे, परंपरा का स्रोत और अपरंपरागत, तो दोनों पढ़ेंगे कौन सी जरूरत है, वर्तमान समय में विकास के चक्के पे हमें किस ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना है, और ऐसा तो नहीं है अभी लगता होगा कि सारे ऊर्जा के स्रोत है, कि कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जो परंपरागत है, कुछ अपरंपरागत, दोनों अंतर क्या है, दोनों सलाह क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, आपदाएं क्या है, देखिए एक माल्थस का एक कोटेशन था कि प्रकृति में एक मेज के समान है, उतने लोग को भोजन परोसते हैं जितना उसके पास सीट होता है, अगर उससे ज्यादा लोग आएंगे उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। आप देखते होंगे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उनका एक सिद्धांत यह भी था जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्योमेट्री विधि से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बढ़ती है, जबकि भोजन बढ़ता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 और वो बढ़ती है गणती मेथड से। इस प्रकार जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो भोजन कम हो जाता है, उसके लिए नई नई बीमारी, कभी स्वाइन फ्लू, कभी ब्लड फ्लू, कभी डेंगू, ऐसे कभी चक्रवात, कभी सुनामी, इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और भूकंप, ज्वालामुखी और जनसंख्या को समेट कर जाती हैं, उसके लिए भी यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं क्या है, इसकी न्यूनीकरण की युक्ति क्या है, क्या क्या से सुझाव हैं जिससे इसको रोका जा सकता है। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर है जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजनाएं, कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं और वर्तमान समय के पूछे जाते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके सम्मेलन क्यों होते हैं, क्या क्या उत्तरदायी है, क्या सा रीजन है कि इसका सम्मेलन करना पड़ रहा है, फिर इसमें भी अंतर समझौते, मेटेरियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, कोटो प्रोटोकॉल, परिस समझौता, सौर, ये सारी समझौता संधि को भी पढ़ना है क्योंकि ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं ये टॉपिक नंबर 8 आपको मैडम ही पढ़ाएंगे, आप इसकी व्याख्या भी उन्होंने कर दिया है आपको। फिर और आगे आते हैं आंकड़ों की व्याख्या, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, अरे एक पूरा था बताया तो ये भी बता दो, 5वें नंबर का है अपना पोर्शन तो इतना बता दो। अच्छा ये 5वें नंबर का है और ये भी 5 नंबर का ही आएगा, ये आंकड़ों की व्याख्या, ये गणित है और बहुत सारे लोग को डर भी लगता है, डरने की बात नहीं है। और आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण कैसे करना है, गुणात्मक मात्रा, सब बहुत आसानी बताएंगे, इसलिए तो डिजिटल बोर्ड लगा आपके लोग के नाते ताकि पढ़ाने में आसानी हो, ताकि सब क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप से बताया जा सके, इसके लिए डिजिटल बोर्ड लगाया गया ताकि आपको पढ़ते समय कोई समस्या ना हो। चित्र वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, और देखिए यहाँ से हर साल 5 क्वेश्चन फिक्स है आपके, मतलब हर साल यहाँ से कोई ना कोई टॉपिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और उसे चंद सेकंड में लगाना, ये चतुराई है। और इस बार पेपर ऑनलाइन भी होने हैं,
आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की सुशासन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ये भी 5 नंबर का महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं युक्ति तर्क, युक्ति तर्क में देखिए मैडम तो आपको पढ़ाएंगे नहीं हो पाएगा तो उसको हम भी पढ़ा देंगे, सारा डायग्राम फीड है, पूरा नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध है, नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और साथ ही साथ इसको पढ़ भी लिया जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक है हम आते हैं तर्क की बात करते हैं, तर्क में भी पूरा हम लोग को पढ़ना है, ये पूरा 5 नंबर का है, इसमें क्या तर्क के प्रकार इसको पढ़ेंगे, तर्क के प्रकार तर्क क्या है, और कल इसमें मैडम के टॉपिक भी पढ़ा हुआ था शायद आपने देखा होगा। फिर संख्या श्रेणी, फिर संख्या श्रेणी अक्षर श्रृंखला, ये पूरा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है ये, संख्या श्रेणी अच्छा सिंगल कूट संबंध का कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा गणितीय रूप से और मेंटल रूप से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे या आसानी से कर लेंगे, ये भी नंबर आपके पूरी तरह से फिक्स है। फिर आते हैं गणितीय अपरिवृत्ति की बात करते हैं, अंक समय और दूरी अनुपात समानुपात प्रतिशत लाभ हानि ब्याज छूट औसत, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं इसलिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ब्रेक संबंध इसमें नहीं दिया वहाँ से प्रश्न आए प्राय पूछे भी गए हैं, ये टॉपिक हो गया, बाकी सारे टॉपिक मैडम के, एक टॉपिक आपका बनता है गद्यांश, और एक गद्यांश जो प्रश्न है आपको प्रैक्टिस हम करा देंगे, गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश सॉल्व करें कैसे किया जाता है ये चतुराई, इसके लिए आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, न्यूज़पेपर का संपादकीय, ताकि हम जब आप बताएंगे तो बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ ज्योति मैडम बता देंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ना है चाहे जैसे पढ़ना है आपको, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए बस, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत डिफिकल्ट है, रिसर्च भी आपको मैंने बताया हुआ है, काफ़ी वीडियोस आपके पढ़े हुए हैं, टीचिंग के काफ़ी वीडियोस आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ हम अलग तरीके से कुछ नया जो टेक्निकल पॉइंट है कम दिनों में कॉम्पैक्ट रूप में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। देखिए पढ़ाने का नोट्स हर चीज़ें आपको हर जगह से मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है तो हम वो पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो आपकी डिफिकल्टी है, इसलिए हम हमेशा आपसे फीडबैक मांगते हैं, वो चीज़ें हम कलेक्ट करके अपनी जो क्लासेस होंगी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम तक पहुंची हैं जो किसी भी तरह से हम उसको सॉल्व करें और इस बार आपको क्वालिफाई कराएं। जैसे अभी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, हालांकि डिफिकल्टी सबको बहुत है लेकिन उन्होंने हमारी डिफिकल्टी को समझते हुए कोई प्रेशर नहीं दिया, लेकिन हम भी इतना कर सकते हैं कि आपके लिए इस नेट के फर्स्ट पेपर का क्रैक कोर्स चलाएंगे, और बहुत ही मिनिमम दिन का रहेगा, और इसके बाद जो आपका टाइम रहेगा आप सेकंड पेपर का प्रिपरेशन खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे पेपर है सबको ही नहीं पढ़ा सकता, मेरा मान लीजिए एजुकेशन तो लंबा चौड़ा है, बहुत सारे टॉपिक हैं तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, तो बाकी आपको फर्स्ट पेपर का पोर्शन जो है वो मैं क्लियर कराने का प्रयास करूँगी अपने जितने टॉपिक्स हैं, बाकी सर और बाकी टीचर्स भी इसमें सपोर्ट करेंगे, तो आप अपनी चीज़ें अपनी जो बातें हम तक पहुँचाते रहिए, कौन कौन सी डिफिकल्टी हम तक पहुँचाते रहिए, फीडबैक देते रहिए, हम सुधार करके आपका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज से जब तक 16 का वेट मत करिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जो डिफिकल्टी कम से कम कलेक्ट करिए, अभी अदर जो वीडियोज जाएंगे उस पर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हाँ ये पॉइंट जरूर पढ़ाएगा, तो बाकी सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे, एक्सेस में भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।